हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये यूट्यूब चैनल मैरिजेस हैव ए नाइस डे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको मैरिज प्रोफाइल के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि आप भी अपने भाई के लिए या फिर अपने लिए रिश्ते की तलाश में हैं और कोई अच्छा रिश्ता वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो आप यूट्यूब चैनल मैरिजेस पर अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल्स देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल मिल जाएगा। और इसके साथ ही यदि आपने यूट्यूब चैनल मैरिजेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यूट्यूब चैनल मैरिजेस को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी रिश्ते की नई प्रोफाइल आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये विधवा वधु का प्रोफाइल है। इनका नाम मिथिला सैनी है, उम्र इनकी 30 वर्ष है, हाइट इनकी 5 फुट 4 इंच है और एजुकेशन में इन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की हुई है। और ये रहने वाली उत्तर प्रदेश बलरामपुर की है। इनके घर परिवार में इनके फादर हैं, इनकी मदर हैं, फादर इनके प्राइवेट काम करते हैं और इनकी मदर है तो वो घर पर ही रहती हैं, कुछ काम वगैरह नहीं करती हैं। इनकी एक और बहन है तो उसकी शादी वगैरह नहीं हुई है अभी। और मिथिला जी की भी पहले शादी हुई थी, तो इनके पति का देहांत हो गया है, इनके बच्चे वगैरह नहीं हैं। इनके फादर का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसे जीवन साथी की तलाश है कि जो उनकी बेटी का हर सुख दुख में हमेशा साथ दे और किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। इनके घर गृहस्थी में ऐसे जीवन साथी की मिथिला जी को तलाश है। इन्हें रिश्ते कहीं से भी चलेंगे। लड़के की उम्र 30 से 35 वर्ष तक होगी, तो ये शादी करने के लिए तैयार है। लड़का प्राइवेट जॉब करता हो, खेती करता होगा, तो ये शादी कर लेंगे। बस इनका कहना है कि लड़की की मंथली इनकम वगैरह 10 से 12 हज़ार रुपये हो जाती हो, तो ये रिश्ता करने के लिए तैयार है। इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, इन्हें किसी भी जाति में रिश्ते चलेंगे। बस इनका कहना है इन्हें हिंदू धर्म में रिश्ते चलेंगे, बाकी जाति वगैरह कोई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये शादी करने के लिए तैयार है। लड़का विधवा होगा, तलाकशुदा होगा या फिर लड़के के बच्चे होंगे, तो ये बच्चों को स्वीकार करेंगे और उन्हें कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगी, ऐसा इनका कहना है। यदि आप इनसे शादी करना चाहते हैं और इनका बायोडाटा वगैरह आपको पसंद है, तो आप अपना एड्रेस बायोडाटा कमेंट कर सकते हैं इन्हें या फिर इनके घर परिवार वालों को। आपका बायोडाटा पसंद आता है तो ये आपसे संपर्क कर लेंगे। यदि ये प्रोफाइल आपको सूटेबल नहीं लग रहा है या फिर आप इनसे शादी ना करके अनाथ वधू का रिश्ता देख रहे हैं या अनमैरिड लड़की का रिश्ता देख रहे हैं, तो आप निराश ना हो। यूट्यूब चैनल मैरिजेस पर ऐसे प्रोफाइल भी अपलोड किए जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अपने अकॉर्डिंग रिश्ता मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए बायोडाटा के साथ। सी यू अगेन विथ न्यू रिज्यूम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।